डिंडोरी जिले में 63 आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां सरकार द्वारा बच्चों को अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। डिंडोरी जिले में 63 आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनमें विकास खंडों के ग्रामीण बच्चों को शिक्षा के साथ ही पौष्टिक आहार भी दिया जा रहा है। आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की शिक्षा को और आकर्षक व रुचिकर बनाने के लिए आंगनवाड़ी की हर दीवार पर सुंदर पेंटिंग बनाई गई है, जिससे बच्चों व उनके अभिभावक खुश हैं। आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों के दीवार में शिक्षा से संबंधित चित्रों को बड़े ही अच्छे तरीके से उतारा गया है, जिससे बच्चे उन चित्रों के सहारे चीजों को जानते और पहचानते हैं और तुरंत ही जवाब देने में तत्पर दिखाई देते हैं। आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की सुरक्षा हेतु फेंसिंग तार के सहारे बाउंड्री वॉल बनाई गई है, जिससे बच्चे सड़कों में न जा सके और दुर्घटना से दूर सुरक्षित देखे जा सकते हैं। महिला एवं बाल विकास की इस पहल को व पूरे जिले के आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों को सराहा जा रहा है। पहचान आती है कि ये कौन सी चीज है, ये कौन सी चीज है, बेटा पहचान दिया। अच्छा, ये जो अभी आंगनवाड़ी में जो आदर्श आंगनवाड़ी में काम हुई है, आपकी आंगनवाड़ी में क्या क्या काम हुए? पेंटिंग की गई है और पानी की टंकी फिटिंग, लाइट फिटिंग खास हो गया। अब आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों में पहले की अपेक्षा बच्चों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। वहीं बच्चों के अभिभावक भी अपने बच्चों को आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र भेज रहे हैं। सरकार की योजना का लाभ आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों में देखा जा सकता है। कलेक्टर डिंडोरी द्वारा सभी आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए जांच दल भेजा गया है, जो ये बताएंगे कि इन आदर्श आंगनवाड़ियों में और क्या कमी है, जिसे पूरा कर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब आदिवासी बच्चों को पूर्ण लाभ दिया जा सके। बनाने का उद्देश्य ये रहता है कि आंगनवाड़ी में जो मूलभूत सुविधाएं बच्चों के लिए उपलब्ध होना चाहिए वो पूर्ण हो जाए। मूलभूत सुविधाएं होने से बच्चे, माताएं, किशोरी बालिकाएं, उनको एक स्वचालित संस्था के रूप में आंगनवाड़ी केंद्र में सारी सुविधा मिल जाए और वो जो हितग्राही है हमारे आंगनवाड़ियों